गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी लगभग बहुत सारे मैसेजेस इस बात को लेके रिसीव हुए हैं कि हमें अपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ आईआईटी जेई हुआ है उससे क्या सीख लेनी चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, आप मुझे यानी कि डॉक्टर नितिन चौधरी फिजिक्स एचओडी को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मेरा अपना पिछले 10 वर्षों का जो एक्सपीरियंस है आईआईटी मेंस एडवांस या फिर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नीट स्टूडेंट्स हैं, देखिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट्स में बच्चों ने गलती की है, बहुत सारे बच्चे जिनकी परसेंटाइल 99 इवन 100 परसेंटाइल भी आ सकती थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो परसेंटाइल नहीं आई। देखिए यदि फिजिक्स की मैं बात करूं तो आपके फंडामेंटल इतने अच्छे क्लियर होने चाहिए कि यदि आपके फंडामेंटल वीक्स हैं, आपकी बेसिक वीक है, तो आप कहीं ना कहीं आपकी परसेंटाइल वो ऊपर नहीं गई है। देखिए जनरली मैं यदि मैं डेट वाइज पेपर का एनालिसिस आपको पहले बताता और इवन मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी है, 24 की यदि मैं मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूं तो मॉर्निंग शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट्स अपीयरिंग हुए थे, मुझे लगता है कि 80-90% स्टूडेंट्स की परसेंटाइल अबव 97-98 हो सकती थी। यदि हम फिर वही इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो पेपर जस्ट थोड़ा सिंपल है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एज पैरेलल इन मॉर्निंग शिफ्ट। सर ओवरऑल बात करिए हमारे साथ, ओवरऑल यदि आपसे मैं बात करूं तो देखिए आप चाहे जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे फिर आप मेडिकल नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके फंडामेंटल बेसिक बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, है ना। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं जो कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ानी चाहिए। जनरली देखा यह जाता है कि ना आप लोगों ना चीजों को रटते हो, है ना, और फिजिक्स रटने का खेल नहीं है। जितना आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जितने उसके एप्लीकेशन को समझेंगे, उसके बेसिक्स को समझेंगे, आप क्या करते हैं, आप ना प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, आप डीप थिंकर बन रहे हैं। आपने ना अपना भेजा जो है ना वो सोचने में लगाना है कि ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम्स जो है, मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं और कितने तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। देखिए हाउ टू ट्रेन योर माइंड, एक्चुअल में स्किल्स इसी को कहते हैं, है ना। यदि आपके अंदर स्किल्स है तो आप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम, किसी भी लेवल की प्रॉब्लम को आप बना सकते हैं, बशर्ते यदि आपने अपने स्किल्स पे काम नहीं किया है और नॉर्मली आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आपका जेई हो चाहे फिर मेडिकल हो, देखो थोड़ी कड़वी है लेकिन उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ज्यादातर प्रॉब्लम्स को सोचो, उसकी डीप थिंकिंग करो एंड देन आफ्टर उस प्रॉब्लम को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच के सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम करने के रास्ते वे समझ में आएंगे कि एक प्रॉब्लम को हम किसने डिफरेंट ऑफ वे से सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन आपको फिर जेई हो चाहे फिर नीट हो उसको क्लियर करना आपके लिए या मैक्सिमम परसेंटाइल मैक्सिमम स्कोर करना आपके लिए आसान रहेगा। यदि इसके बारे में आपको कुछ भी मेरे से डिस्कस करना है तो डायरेक्टली आप तक्षशिला की वेबसाइट पर जाकर और या फिर डायरेक्टली मेरे को कॉल करके, मेल करके, मैसेज करके आप मेरे से डायरेक्टली इसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।